तो दोस्तों स्नैपसीड में अपनी इमेज को ओपन कर लेना है, उसके बाद जूम करके देखना है तो हमारे चेहरे पर दाग धब्बे लग रहा है, तो उसको पेंसिल आइकन चलना है, हेलिक्स वाले टूल में जाके और जूम कर लेते हैं। उसके बाद तेल दाग धब्बे को टच करते जाना है तो ऑटोमेटिक अपने इमेज के हिसाब से, चेहरे के कलर के हिसाब से वो मैच कर लेगा। अगर मैच हो के ज़्यादा ब्लैक आ जा रहा है तो बैक कर लेना है लेफ्ट साइड के एरो में। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं फटाफट से इतना हो जाने के बाद, ओके कर लेंगे। उसके बाद इतना हो गया दोस्तों, अब इसको वाइट बैलेंस को ठीक करने वाले हैं अपनी इमेज के। उसके लिए आप लोग को चलना है पेंसिल वाले आइकन पे, उसके बाद ट्यून इमेज पे चलना है, फिर इसको और नीचे आते हैं तो सिचुएशन को हल्का सा माइनस की ओर रखेंगे और अम्बेंस को भी हल्का सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद नीचे आके हाईलाइट को कम करते हैं और शैडो को भी थोड़ा सा कम करते हैं और वार्म को हल्का सा बढ़ा लेते हैं। इतना हो गया दोस्तों, इतना सेटिंग आप लोग को भी रखना है, ओके करते हैं। ठीक है, हम लोग का इमेज ऐसा दिखने लगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग अपने इमेज को गोरा करने वाले हैं ऑयल पेंट। पेंसिल आइकन चलना है, ब्रश वाले में चलना है, दूसरे नंबर पे एक सुबेर वाले पे चलना है, तो 0.70 रहने देना है, जूम कर लेना है। उसके बाद फटाफट पोत लेना है अपने चेहरे पर। और देखिए दोस्तों, अगर बाहर ना हो जाए इसलिए आप लोग को राइट साइड में आइस का आइकन बना है, उसको टच करके देख लेना है, पता चल जाएगा। उसके बाद ज़्यादा हो गया तो लेफ्ट साइड के इरेज वाले ऑप्शन में इरेज मिल जाके आप लोग को अच्छे से इरेज कर लेना है। और अब जितना परफेक्ट टाई करेंगे, इरेज करेंगे, तो आप लोग का एडिटिंग उतना अच्छा बनेगा, तो ओके कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपने चेहरे को स्मूथ करने वाले हैं, उसके लिए पेंसिल आइकन चलना है, नीचे आके पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर जाना है, तो फेस स्पॉटलाइट ऑटोमेटिकली लगता थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, इसको जाके स्किन स्मूथिंग को 100% बढ़ा लेंगे तो हम लोग का चेहरा स्मूथ हो जाए एकदम चिकना। तो उसके बाद ओके करते हैं, आइस क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, आइस एकदम से नज़र में आए। बाद ओके करने के बाद पेंसिल वाले आइकन चलते हैं, फिर चलते हैं क्रॉप सॉल्व टूल में, उसके बाद लैपटॉप में आइकन दिख रहा है उसको टच करके आरजीबी में टच करके नीचे वाले साइड को बराबर रख लेते हैं, ऊपर वाले को हल्का सा ऊपर उठाते हैं। उसके बाद रेड कलर में चलते हैं, रेड कलर का जिसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे की ओर रखेंगे। उसके बाद फिर से ब्लू कलर नहीं ग्रीन कलर को थोड़ा ऊपर रखेंगे जिसको पकड़ के, उसके बाद ब्लू कलर को हल्का सा ऊपर रखेंगे, तो हम लोग का इमेज इस प्रकार का दिखने लगेगा। तो गाइस हम इसको स्ट्रक्चर बढ़ा लेते हैं, उसके लिए बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। पेंसिल वाले कैन में चलते हैं, उसके बाद डिटेल्स वाले ऑप्शन चलते हैं, स्ट्रक्चर को हल्का सा बढ़ाते हैं और शार्पनेस को भी बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग का इमेज तैयार हो गया, तो हम लोग ऑयल पेंट फोटो एडिट कर चुके हैं, अब इसको शेयर वाले ऑप्शन पे जाके इसको सेव कर लेते हैं अपने इमेज को। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, और फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।